अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिल सकें और आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को थम्स अप भी दें। आज हम जो बना रहे हैं उस डिश का नाम है चिकन वाइट हांडी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया, चिकन मैंने 2 किलो ले लिया है और इसकी जैसे नॉर्मल आप बोटियां कराते हैं वैसे मैंने करा ली हैं। उसके बाद हमें कुछ सिरका चाहिए होगा, सिरका हम गोश्त पर लगाएंगे, इससे गोश्त जल्दी तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी जो हम बीच में डालेंगे, ये मैंने साबित 4 ले ली हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे बताऊंगी आपको कुटी हुई भी चाहिए होंगी। आपको साबित जो गोल मिर्च है वो चाहिए होगी और ये मैंने कुछ ले ली हैं। आप अपनी हस्बे जो जायका है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच जो है काली मिर्च का, आधा चम्मच हम सफ़ेद मिर्च लेंगे, 1 चम्मच हमने नमक ले लिया है। उसके बाद सब्ज मिर्च कुटी हुई वही हमने 3 अदद ले ली हैं और इनको हमने अच्छी तरह जो है कूट लिया है। उसके बाद 2 बड़े चम्मच जो हैं आपने अदरक लहसुन की पेस्ट ले लेने हैं। उसके बाद जीरा जो है कुटा वाले तो बेहतरीन है वरना आधा चम्मच साबुत भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें क्रीम की ज़रूरत होगी, ये मैंने क्रीम ले ली है, आराम से बाज़ार से मिल जाती है। उसके बाद दही जो है ये 125 ग्राम है, आपने इसको अच्छी तरह फेंट लेना है, ये फेंट के हमने इसको अंदर डालना है वरना इसके जो लुक है सालन की वो ख़राब हो जाएगी। आइए देखते हैं अब हम कैसे बनाएंगे। ये देखें ये गोश्त जो मैंने लिया है इस पर हल्का सा आपने थोड़ा सा सिरका डाल लेना और इसके अंदर ऐसे ऐसे आपने कर लेना हाथ से, इस तरह गोश्त जल्दी तैयार हो जाएगा, गल जाएगा, तंग नहीं करेगा। ये देखिए ऑयल मैंने रख लिया है, आधा कप ऑयल लिया है। उसके बाद अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे जैसे ही ऑयल गर्म होगा। ये देखिए अब आपने इसको जब तक चिकन का जो कलर वो वाइट ना हो जाए तब तक उसको पकाते रहना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कलर कैसा हो जाना चाहिए इसका। अब इस ये देखें अब ये इसका कलर वाइट हो गया है गोश्त का। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। ये मैं तकरीबन आधा कप घी और डाल रही हूँ इस पॉइंट पे। ये देखिए उसके बाद जो दही हमने फेंटा था उसके अंदर आपने सारे अपने मसाले डाल लेने हैं। ये आप डायरेक्ट उसके अंदर भी डाल सकते हैं गोश्त के, पर मैं नहीं डाल रही, मैं दही के अंदर मिक्स करके डालूंगी। अब ये हम उसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके फ्लेम को भी हमने तेज़ रखना है, ये जो पानी सारा देख रहे हैं ये इसके अंदर जो गोश्त है इसका पानी है, तो आप कोशिश करेंगे कि इसको जितना खुश्क आप गोश्त रख सकें पकाने से पहले इसको अच्छी तरह खुश्क कर लें। मेरा बिल्कुल फ्रेश था। ये देखें अब ये बिल्कुल भुन चुका है और इसमें अब हम क्रीम ऐड करेंगे, अपनी जो मोटी लाल मिर्च है और सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करेंगे। ये देखिए अब इस पॉइंट पे हम क्रीम डालेंगे। देखें जी ये मेरी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार है। अब आप इसको सर्व करें, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और मैं इसको गार्निश करूँगी धनिया के साथ बारीक बारीक काट के। अब इसको आप सर्व करें, फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।